दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग गाइस। आज मैं फिर से लाया आप सबके लिए एक मैग्मा ग्रे अर्टिगा 2021 VXR बेस वेरिएंट, जिसने ए टू जेड मॉडिफिकेशन किया है। एंड गाइस, ऑल द वे कस्टमर अंधेरी से अपना टाइम पूरा स्पेंड करके ऑल 6 आवर्स में कार मॉडिफाई हुई है गाइस। इसके ऊपर जितने भी एक्सेसरीज इंस्टॉल हुए आपको मैं ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में बताऊंगा। तो गाइस चलिए, तो कार के फ्रंट से चालू करते हैं। इस पे हमने हेडलाइट की तरफ में ऑन स्टिकॉन LED DRL इंस्टॉल किया, आप जैसे कि देख सकते हो, जो काफ़ी ज़्यादा स्लीक स्मूथ एंड अच्छा फिनिश आ जाता है आपकी कार पे। आप नॉर्मल इसका रोड का पावर देख सकते हो गाइस, कितनी ज़्यादा अच्छी फैल जाती है एंड क्लियरेंस इंप्रूव हो जाता है। नीचे की तरफ में हमने इस पे लगाया है फॉग लैम्प DRL, आप जैसे कि देख सकते हो, जो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट आता है। अलॉन्ग विद गाइस, इस पे हमने कस्टम डिफ्यूज़र इंस्टॉल किया, आप जैसे कि देख सकते हो, जो ऑल द वे फ्रंट में फैल जाता है अलॉन्ग विथ क्रोम ब्लैक एंड सिल्वर एसेंट्स के साथ, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ऑल्सो फ्रेंड्स, आप जैसे कि देख सकते हो, अभी ये इंडिकेटर्स पे ऑन है, मिरर से लेके DRLs अलॉन्ग विथ फॉग लैम्प DRLs काफ़ी ज़्यादा अच्छी मैच एंड कॉन्ट्रास्ट आ जाता है कार का। अभी मैं आपको थोड़ा नाइट मोड में दिखाता हूँ एक्चुअल लुक इसका, आप जैसे कि देख सकते हो, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है गाइस। अलॉन्ग विथ गाइस, इसके हेडलाइट पर अंदर हमने लगाया है HID लाइट, आप इसका पावर देख सकते हो, जो आगे जाके काफ़ी और बढ़ जाएगी जितना आपको कार से पावर मिलेगा। नीचे फॉग लाइट में भी हमने HID लगाई है गाइस, ऑल ओवर 4 का सेट लगाया है HID हेडलैम्प में एज वेल एज फॉग लैम्प से, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है गाइस। अभी हम आते हैं डोर पैनल के साइड पे गाइस, इस पर हमने इंस्टॉल किया है फेंडर लाइट, जो कि अभी इंडिकेटर पे ऑन है करेंटली विथ क्रोम के डिटेल्स के साथ। अभी आप गाइस देख सकते हो कि ये ब्लू विथ नियॉन फिनिश के साथ आती है फेंडर लाइट। अभी मैं आपको रोड के क्लियरेंस दिखाता हूँ सामने की, आप जैसे कि देख सकते हो सामने कंटेनर है, क्लियर दिख रहा है। अभी मैं आपको हेडलैम्प बंद करके दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है गाइस। आप फॉग लाइट का सिर्फ क्लियरेंस देखिए, ऑल द वे बैक तक वो कंटेनर तक जा रहा, आप इसकी देख सकते हो क्वालिटी वाइज कितनी अच्छी लग रही है लाइट। अभी मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ हेडलैम्प्स, देखिए गाइस एकदम ब्राइट हो जाता है। अभी मैं फॉग लैम्प बैंक बंद करके आपको हेडलाइट का दिखाता हूँ क्वालिटी कैसी है गाइस। देखिए नॉर्मल लग रहा है, अगर आप फॉग लैम्प भी डालते हो ना तो भी आपकी रोशनी इतनी बढ़ जाती है कि आपको HID अपने हेडलाइट में डालने की जरूरत ना। कार के साइड पे आ जाते हैं, हमने इस पे लोअर साइड पे पहले तो इंस्टॉल किया है बहुत सेफ्टी वाइज एंड लुक वाइज डोर क्लैडिंग विथ अर्टिगा एम्बॉस्ड मैट ब्लैक प्लस सिल्वर में, काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि गाइस मैंने आपको बताया सामने की तरफ में हमने लगाया है डिफ्यूज़र जो कि सेम कलर में है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन गाइस इस पर हमने लगाया है विंडो गार्निश क्रोम, जो कि ऑल द वे रेड तक जाता है, जो कि मैं आपको दिखा दूंगा आगे। हमने 6 पीस का डोर वाइजर लगाया है विद क्रोम डिटेल्स, जो कि ऑल द वे रेड तक जाता है गाइस, आप जैसे कि देख सकते हो। अलॉन्ग विद गाइस मैंने बताया था, इस पर हमने फुल विंडो गार्निश क्रोम लगाया है। ऊपर के साइड पर हमने बॉडी कलर रूफ स्पॉइलर लगाया, जो कि काफ़ी अच्छा स्पोर्टी लुक दे देता है। इस पर हमने मैट्रिक्स की टेल पिलर लाइट लगाई, आप जैसे कि देख सकते हो। कंपनी के साइड से आपको मिलता है एक बेसिक नॉर्मल वेरिएंट, इस पर हमने लगाया है LED वाला, आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हो, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। टेल लाइट क्रोम इंस्टॉल किया है पीछे की तरफ में, अलॉन्ग विद ट्रंक क्रोम लगाया है ये साइड पर, आप जैसे कि देख सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा स्लीक और अच्छा लगता है। डिफ्यूज़र के साइड पर आते हैं गाइस, इस पर हमने लगाया है नीचे बम्पर के साइड पर ये क्रोम अलॉन्ग विथ रेयर रिफ्लेक्टर लाइट, जो कि LED में आती है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है गाइस। ऑल्सो फ्रेंड्स, इस पर हमने लगाया है ड्यूअल एक्सॉस्ट के साथ ग्लॉस फिनिश में विथ लैम्बोर्गिनी हेक्सागन पैटर्न में रेयर डिफ्यूज़र। अभी आपको मैं इसका फुल क्लियर लुक दिखा देता हूँ गाइस। अलॉन्ग विथ इसमें हमने एंड्रॉयड इंफोटेनमेंट के साथ रेयर कैमरा इंस्टॉल किया, आप जिसकी देख सकते हो, छोटा सा दिखता रहेगा आपको। पीछे के साइड में आते तो गाइस आपको एक्सॉस्ट दिख रहा रहेगा, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइस। अभी हम जाते हैं पीछे से इंटीरियर में, डोर पैनल्स के साइड पर आप जैसे कि देख सकते हो, ये लाइट दिख रही है आपको, इसे कहते हैं एम्बिएंट लाइट, जिसे भी पता नहीं रहेगा जो मेरे चैनल पर नए, तो गाइस अभी सब्सक्राइब कीजिए और आगे इंजॉय कीजिए। इसमें मैंने डोर लेदर पैनलिंग की है अलॉन्ग विद डायमंड कट पैटर्न में, ब्लैक 10 पीस का किट इंस्टॉल किया, आप जैसे कि देख सकते हो। नीचे के साइड में अर्टिगा की स्कफ प्लेट इंस्टॉल की है, नीचे बेज लैमिनेशन की है ऑल द वे रेयर 3rd रो तक। आप पीछे की सीट की फिटिंग देख सकते हो गाइस, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। इसे कहते हैं कम्फी सीट कवर्स 2-टोन पैटर्न में, जो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। अभी हम आते हैं फ्रंट डोर के साइड पे, आप जैसे कि देख सकते हो वुड की फिनिशिंग एंड एम्बिएंट लाइट की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी लग रही है। नीचे की साइड पर आपको मिल जाता है स्कफ प्लेट, जो कि हमने ऑल 4 साइड पर इंस्टॉल किया है। अलॉन्ग विद गाइस, ये कार का मेरा फेवरेट पार्ट है ये स्टेयरिंग व्हील, आप जैसे कि देख सकते हो। कंपनी से आपको नॉर्मल मिलता है बेज या ब्लैक कलर में, इस पर हमने लगाया है हैंड स्टिच्ड
टू टोन पैटर्न में विद डायमंड कट स्टिचिंग स्टेयरिंग कवर। आप जैसे देख सकते हो नॉर्मल एक स्टेयरिंग कवर आपको मिल जाता है कंपनी से, बाहर भी मिल जाता है, बट एक कस्टम पैटर्न में आप जैसे देख सकते हो टू टोन में हाफ रखा है, हाफ ब्लैक हाफ टैन, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइस। ऑल्सो इंटीरियर में आप आते हैं तो इसमें हमने लगाया है 2GB रैम 16GB इंटरनल स्टोरेज के साथ मोटिवो का एंड्रॉयड इन्फोटेनमेंट, जो कि हर एक की नीड रहती है अपने कार में। अभी हम इसके एंड्रॉयड फीचर्स आपको बताएंगे। अगर आपने मेरे पीछे वीडियोस देखी रखी तो गाइस इस पे आपको वही एंड्रॉयड फीचर्स मिल जाते हैं जो आपको अपने iOS या फिर एंड्रॉयड डिवाइस में मिल जाते हैं। प्ले स्टोर से कोई भी डाउनलोड कर सकते हो, यूट्यूब देख सकते हो गाइस। इसका आउटपुट भी मैं आपको वीडियो में दिखा दूँ। अभी चलते हैं हमारे स्पेशल फीचर के बारे में जो है एम्बिएंट लाइट। अभी मैं आपको एम्बिएंट लाइटिंग में बताऊंगा जो कि एक कार में इंस्टॉल्ड, आप जैसे कि देख सकते हो ऑल फोर पैनल्स पे अलॉन्ग विद डैशबोर्ड एंड फुटस्टेप पे जो मल्टी कलर में चेंज होती है अलॉन्ग विद गाइस पीछे के साइड पे हमने इंस्टॉल की है। अभी ये करंटली मर्सिडीज के ब्लू पे ऑन है, ऑपरेटेड भी आता है एज वेल एज रिमोट ऑपरेटेड भी। सो दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हो अभी जो कार के ओनर है उनके मोबाइल पर ये ऐप है, हम इन्हें स्पेशली डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं कि गाइस इसके थ्रू रिमोट से ज़्यादा मोबाइल पे आपको फ्रीक्वेंट हो जाता है यूज़ करने का। अभी देखो मैं इसे ऑफ़ करता हूँ इस साइड से तो पूरी ऑफ हो जाती है एम्बिएंट लाइट जो हमने फुल लगाया है इंटीरियर में। अभी देखो मैं इसे ऑन करूँगा तो ये ऑन हो जाती है ऑटोमेटिकली गाइस। आपको बीच में ये सेंटर मिलता है जिसके थ्रू आप कस्टम कलर्स लगा सकते हो। अब जैसे देख सकते हो अब ये ब्लू पे जाती है, हम इस पे रेड पे, देन इस पे हम इसे स्विच करेंगे पिंक पे, देखो आप कलर्स चेंज हो रहा है धीरे धीरे। अब ये पिंक पे चले गए जो कि मर्सिडीज़ का काफ़ी ज़्यादा स्पेशल फीचर आता है, क्योंकि मतलब मोस्ट ऑफ दी कार्स में लगाते हैं पिंक एम्बिएंट लाइटिंग एंड ये काफ़ी ज़्यादा फेमस होती है। कि गाइस आप जैसे कि देख सकते हो नीचे आपको इंडिविजुअल कलर्स में मिल जाते हैं, जैसे कि देखो ब्लू पे डालना है मेरे को तो मैं फुल ब्लू कर सकता हूँ, ग्रीन पे डालना है तो वो भी कर सकता हूँ, ग्रीन की ब्राइटनेस मुझे कितनी चाहिए वो भी एडजस्ट कर सकते हैं हम, मेरे को ज़्यादा ब्राइटनेस चाहिए तो आप जैसे कि देख सकते हो ब्राइटनेस बढ़ जाती है, कम चीज़ दिखाई देगा एकदम बंद हो गई बट नीचे तो भी चल रही है क्योंकि ज़्यादा मैंने डिम नहीं किया उसे। देन आते हैं हम येलो पे, ये ऑलमोस्ट ऑरेंज जैसे दिखता है। देन गाइस ये मिंट कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जो कि लाइट ब्लू का शेड है अलॉन्ग विथ नियॉन जो काफ़ी अच्छा लगता है गाइस। इवन गाइस ये स्टाइल्स में आता है डिफरेंट, आप जैसे कि देख सकते हो अभी देखो ये नॉर्मल इसी मोड कहते हैं रेनबो मोड जो कि डिफरेंट कलर्स में अपना स्विच करेगा, देन रेनबो जंपिंग मोड, वाइट स्ट्रोक, पर्पल स्ट्रोब, आप जैसे कि देख सकते हो इसका फीचर जो नॉर्मल बार्स एंड ऑल ओवर पार्टीज में रहता है वही फीचर आप इसमें कर सकते हो। ये अगर आपको इसका स्ट्रोक कम भी करना है तो गाइस आप जैसे कि देख सकते हो जैसे थोड़ा कम करोगे तो एक दो बार ब्लिंक करेगा बीच में, और सबसे ज़्यादा बढ़ाना जो आपको फुल इफेक्ट चाहिए तो वो भी कर सकते हो गाइस। देन आते हैं इसका जो मेन फीचर आता है वो आता है ग्रीन प्लस ब्लू में ऑटोमेटिक स्विच करना। आप जैसे कि देख सकते हो एकदम फास्ट में ये स्विच कर रहा है ग्रीन टू, देन गाइस हम रेड से ब्लू में भी स्विच कर सकते हैं। इस पर आपको ऑल ओवर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स तो मिल जाते हैं गाइस। अगर आपको यही अपनी कार में इंस्टॉल कराना है तो गाइस गुरु कृपा मोटर्स का नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप तुरंत कॉल करके अपने कोई भी कोटेशन एंड ऑर्डर्स बुक कर सकते हो गाइस। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मैं आपके लिए इतना ज़्यादा मेहनत करता हूँ गाइस, एक लाइक तो बनता ही है गाइस। मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सब अर्टिगा लवर फ्रेंड्स में गाइस। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, स्टे सेफ ड्राइव सेफ पीस आउट स्टे पॉजिटिव बाय।